और मेरे भाई थे एक ताऊ जी के लड़के, नीरज नाम है उनका, हम दोनों एक साथ जा रहे थे। तो बाइक से थे हम दोनों, शादी थी सिस्टर की, तो कार्ड बांटने के लिए जा रहे थे। तो हमें आगे जाके थोड़ा सा लगा कि वहाँ पर कुछ झगड़ा वगड़ा हो रहा है, तो हम थोड़ा तेज़ निकले वहाँ से। तो तेज़ निकलने के बाद बेगमपुल पे हमें पुलिस ने पकड़ लिया, बेगमपुल चौराहे पर उन्होंने पकड़ा और कहा कि मतलब तुम्हारी जाति क्या है। तो जाति पूछा, हमने जाटव बता दिया, बस जाति पूछते ही हमारी पिटाई करी उन्होंने, बहुत पिटाई करी। और उसके बाद थाने में ले जाया गया, थाने में ले जाने के बाद भी पीटा उन्होंने, बहुत बुरी तरह पीटा था थाने में ले जाने के बाद भी। 2 अप्रैल 2018 के दिन भारत बंद का आह्वान किया गया था, उस दौरान मेरे जो डॉक्टर साहब हैं मैम, उन्होंने मुझे कहा कि आज भारत बंद है, आप एक काम करिए, आप दिन की ड्यूटी कर लीजिए, जो हमारा बाहर का स्टाफ है वो नहीं आ पाएगा। उस दौरान मैं बाहर खड़ा हुआ था अपनी लैब के पास में, मैंने अपने भाई के पास फ़ोन किया, मैंने कहा कि भाई आप मेरा खाना लेकर आ जाइए, मदन पाल जी मेरे बराबर में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। हम तो बाहर खड़े हुए थे अपनी लैब के बाहर, श्रीराम पैथोलॉजी लैब के, मैं ड्यूटी करता हूँ बतौर लैब टेक्नीशियन की, ठीक है सर। उस दौरान मेरे भैया मेरे पास खाना लेकर आए, पुलिस की एक बहुत बड़ी जीप आई, उन्होंने पूछा कि भाई आप कैसे खड़े हो यहाँ पर। हमने कहा मगर जी ये जो हो रहा है हम उन्हें देख रहे हैं। बोले कि आप किस जाति से हो, हम बोले कि हम जाटो जाति से हैं। तो उन्होंने तुरंत हमारे पास हम पर हाथापाई किया, बहुत ज़्यादा हमारी पिटाई की वहाँ पर, और डाल के ज़बरदस्ती हमको सिविल लाइन थाने में ले गए, फिर वहाँ ले जाकर हमारी पिटाई करी। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, भैया ने बहुत रिक्वेस्ट करी कि हमारा कोई हाथ नहीं है, हम ऐसे ऐसे शादी में कार्ड बांटने के लिए जा रहे हैं, आज अभी भी कार्ड हम पे मौजूद हैं अगर देखना चाहता है कोई। तो फिर भी हमारी कोई रिक्वेस्ट नहीं सुनी गई। फिर मैंने कॉल करी पापा को अपने, मेरे पापा वहाँ पर आए थाने में, तो पापा कहने लगे कि ऐसे ऐसे छोड़ दो इसको, ये तो निर्दोष है। लेकिन मेरे पापा की पिटाई करी उन्होंने, पुलिस वालों ने बहुत बुरी तरह से पिटाई करी पापा की भी, और चांटे भी मारे, डंडे मारे, पापा को भी अंदर कर दिया। जाति के आधार पे सारा मुद्दा हुआ है, ठीक है, और जाति पूछना और उसके साथ में अभद्रता करना, उसके साथ मारपीट करना और उसको जेल भेजना एक अलग मामला आ गया। क्योंकि उससे जो बीजेपी सरकार है उसमें ये रहा है कि भाई बीजेपी वालों का ही सारा मामला है। मैं 9th क्लास में पढ़ रहा हूँ और आगे जो मेरी पढ़ाई वढ़ाई है या इसमें मैं आगे नौकरी जाऊँगा तो उसमें मैं दिक्कत आएगी, कहीं ये आप पे तो मुकदमा है, इस तरीके से मेरा करियर ख़राब हो चुका है जी, मैं बेगुनाह फंसाया गया है। मैं खैन नगर के लिए सामान लेने जा रहा था जी, फिर उधर से पुलिस वाले आए, उन्होंने मुझे पकड़ा, पूछने लगे कास्ट बताओ, कास्ट मैंने बताया जी जाटो, तो नू चलो सालो हम देंगे आपको आरक्षण, ये रहा डंडे पर आरक्षण थी मेरे में बजाया, फिर मुझे छोटे हाथी में डाल के ले गए, फिर उस समय सिविल लाइन ले गए, फिर वहाँ पर बजाया सब में, वहाँ पर जितने भी हम लोग थे सब में बजाया, और फिर हमें सीधा जिला कारागार भेज दिया, हमारे चालान भी वहीं कटे थे जेल के अंदर ही, वहीं पेश हुए थे। खाना देने गई हूँ बच्चों को पापा का, जब मैं गई इधर से तो वहाँ जेंट्स भी है लेडीस भी बहुत ही, उधर से आई तो जेंट्स और लेडीस पुलिस आ गई तो वो भाग ली, इस वजह से मैं भागी नहीं कि मैं शुद्ध स्वभाव, इसी वजह से आ रही कि मैं खाना दे खा रही, मैं तो थी ना झगड़े में ऐसे। फिर 2:30-3 बजे वे आ लिए घर पे ही, खाना खा रहे हैं हम बच्चे भी हम भी, जब 10-1 बजे गई मैं खाना लेकर, फिर उधर से आई तो पब्लिक भाग ली और पुलिस आ गई, मैं भागी नहीं, मैं शुद्ध स्वभाव ऐसे चलती रही। और घर पे आई जब बच्चों के साथ में खाना ही खा रही, पहले किवाड़ खटखटाए, मैंने खोल लेना किवाड़ में, मैं जो होगा मैं समझ में, पुलिस आ गई, मैं कभी ऊपर हुआ आज बच्चों को पिटा लगा, मैं किवाड़ को धोरों को चली गई, और उन्होंने जो अंदर आए बच्चों को कह लगे बच्चों को ले चलो, इन्हें भी ले चलो, एक लेडीस साथ में ही, फिर उन्होंने 2-4 मारे भी, फिर मैं उनसे नू कह रही ही मगर मैं नहीं ही झगड़े में, अगर मैं झगड़े में होती मैं कोई एक ली होती झगड़े में, कोई और भी तो होता झगड़े में। हमारे साइड में जो बैरिक था जेल के अंदर, साइड में ही नशे जो नशा करते हैं लोग, उनका साइड में बैरिक था और उन्हीं की साइड में हमें रखा गया उसके कुछ दिनों बाद, ताकि हम भी नशा मुक्त हो जाए, नशा करने लगे, मतलब नशा मुक्ति नहीं सॉरी नशा करने लगे, जिससे कि और वहाँ पर नशा वशा भी सप्लाई होता था, उनके साथ में रखा गया। फिर हमें, फिर उसके बाद
बेल नहीं होने लगी, जाति पूछे पूछ कर बेल नहीं होती थी हमारी किसी की भी, बेल डालने लगे बेल नहीं हो रही हैं, 14 दिन की बार बार डेट दे रहे थे वो लोग, बार बार 14 दिन की डेट दे रहे हैं, कह रहे कि अभी इस बार देंगे, कोई बेल नहीं, कोई सुनवाई नहीं। हमारे घर वालों ने बहुत तकलीफ़ में ये दिन गुजारे हैं, और हमने तो गुजारे हैं लेकिन घर वालों ने हमसे भी ज़्यादा गुजारे हैं। जो बीजेपी सरकार है ये दलित और मोमडन जाति के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। अब मैं क्या कहूँ, मैं तो यही कहूँगा कि आज के टाइम में हर बिरादरी इससे, जो बीजेपी है पार्टी है हमारी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये देख लीजिए हम लोगों का जाति जो जाटव है उसका शोषण कर रहे हैं, रोज़ के रोज़ परेशान किया जा रहा है, जबरदस्ती लोगों को उठा कर जेल में बंद करा जा रहा है। हमें कोई ऐसा मामला नहीं था ना कि हम रैली में थे, ना कोई ऐसा मामला था कि भाई अगर शांतिपूर्वक सारा मामला चल रहा था ना, हम उसमें कोई थे ना ही, हमने कुछ बवाल करा है ना कोई बलवा रहा है। उसमें ऐसा हुआ कि मैं अपने बड़े छोटे भाई के लिए खाना लेके गया था, वहाँ पर जब मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे थे कि जो कि वो दुकान बंद करवा रहे थे, और कुछ ऐसे थे कि तिलक लगा रखा था, आरएसएस और बजरंग दल वाले आदमी थे। हम लोगों को जो गिरफ्तार करा गया उसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी और उनके साथ में जो तिलकधारी लड़के थे वही लड़के थे आरएसएस और बजरंग दल वाले हम लोगों को, और किसी ना तो वहाँ पुलिस वाला था ना कोई पीएससी है ना कोई वैसा कोई आदमी मिलिट्री का या फोर्स का कोई आदमी नहीं था। ठीक है जी, मैं इसका खाना ले गया था, दुकान तुरंत ही मेरे पीछे देखा मैंने कि फोर्स है और सब मारपीट कर रहे हैं ये लोग और दुकान बंद करवाते जा रहे हैं। हमसे पूछा गया कि भाई तुम कौन लोग हो, तुम क्यों जल्दी जल्दी ये दुकान बंद कर रहे हो, कि मैं साहब हम ऐसे के लोग हैं जाटव हैं और दुकान बंद करवाने के, और मैं छोटे भाई का खाने लेकर आया हूँ, नु कौन जाती है और साहब जाटव हैं हम लोग। तो इसको और मुझे और मेरे साथ में हम लोगों के साथ इतनी मारपीट, एक सिर्फ जाति के आधार पर ही सब लोगों ने एक मुद्दा बनाया, वहाँ मारपीट की है और बहुत अत्याचार करा गया हम लोगों के साथ। हम पर कई ऐसी धारा लगाई हैं, 17 धारा लगी हैं हम पर, और 3 एक्ट हैं, 4 मुकदमे हैं जी। हमारा करियर बिल्कुल ख़राब कर दिया इन्होंने। 14 दिन बाद मेरे घर वालों ने ट्रांसफ़र लगवाया मेरा वकील से कह के, फिर मुझे बच्चा जेल भेजा गया, फिर वहाँ पे मुझे थोड़ी सुविधा मिली। वहाँ पर हमारे बयान वन हुए अर्जी का, तो उन्होंने कहा चलो तुम छुड़ जाओगे वो हो जाओगे, ऐसी दिलासा देते रहे, कुछ कार्रवाई नहीं हुई हमारी जी। मैं 4.25 महीने रहा, 14 दिन रहा मैं उसमें बड़ी जेल में, जिला कारागार में, फिर उसके बाद वहाँ बच्चा संप्रेक्षण गृह में पहुंच गया। मेरी खुद हाई कोर्ट से बेल होकर आई है, मुझे यहाँ से बेल नहीं मिली। मैं 115 दिन जेल में रहा हूँ, लेकिन इतना बड़ा ये मतलब इन्होंने 4 मुकदमे लगाए हैं मुझ पर, और धारा तो बहुत ही सारी लगा रखी हैं, जिसमें 307, 148, 149, 395 आदि बहुत सारी धाराएं हैं, लूट, डकैती, गैंगस्टर, हाफ मर्डर सब लगा रखी हैं। मतलब पढ़ने लिखने वाले बच्चों को बहुत उठाया इन लोगों ने। बीए फाइनल थी मेरी इस बार, मेरे एग्ज़ाम भी छूटे हैं जेल के अंदर। ये जो गवर्नमेंट है बीजेपी, ये हम लोगों को जहाँ हम अब से 5000 साल पहले थे वो वहाँ करना चाहती है। कहने का मतलब ये है, ये हमारे मुंह के सामने हंडिया और पीछे झाड़ू बांध देना चाहती है। ये चाहती है सरकार कि हम जहाँ थे वहीं आ जाएं। 4 महीने जेल रहे हम, 2 अप्रैल 2018 को बंद हुए, 31 जुलाई को हम जो है जेल से बाहर हुए। उसके लिए भी हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। जब हमें सिविल लाइन थाने में बंद कर दिया गया बेगुनाह को, बिना किसी वजह के हमको ले गए और ले जा कर, जब यहाँ से जेल से सिविल लाइन थाने से हमें जेल ले के गए, हमको बहुत गंदी गंदी गाली दी गई कि सालो तुमको आरक्षण चाहिए ना, हम लोग पढ़ते हैं, तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम आरक्षण चाहिए, तुम साले पढ़ते नहीं, तुम साले गंवार हो, तुम हमेशा हमारे जूते रगड़ोगे। हमें सिर्फ एक चीज़ का अफसोस रहा है कि सिर्फ ये अफसोस रहा कि हमने दलित, जो दलित समाज के अंदर हमने क्यों जन्म लिया, सिर्फ यही हमें वो रहा अफसोस कि काश ऊपर वाला हमें भी जन्म कोई जाट या गुजर या कोई ब्राह्मण या कोई अलग बिरादरी में जन्म देता था, काश ही हमारे साथ नहीं होता। ये सरकार दलितों के लिए तो एक तरीके से बिल्कुल बेकार ही है, मैं तो बेकार ही कहूँगा। हमारे देश को पीछे ले जा रहे हैं, हमारे देश को लगभग बहुत पीछे ले जा चुके हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट कर रहे हैं मंदिरों के घंटे बजाने में, बस फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।